मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र एजेंसियों ईडी और सीबीआई के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि दूसरे दल के नेता जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। राहुल गांधी पर तरह तरह का इल्जाम लगाकर गरीब आदमी चावल दाल कहाँ शब्द था खाता था उस पर सब पर आप टैक्स लगा दिया 5%। इसे कितने नाम है बीजेपी को पकड़ना चाहिए। कांग्रेस गरीबों का ये केवल कांग्रेस के नेताओं को हमारे नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को केवल लगाया जा रहा है। और जो दूसरे पार्टी से जो भाजपा में चले जा रहे हैं वो सब गंगा जल से धो करके दूध के धोए के जैसा उनको भाजपा बता रहे हैं। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि नेशनल हेरल्ड का केस पहले भी खुला था और कोई जब सबूत नहीं मिला था तो बंद भी हो गया, लेकिन आज मोदी सरकार के सारे पे फिर से ईडी इसको तवज्जो देती है और श्रीमती सोनिया गांधी को जिस तरह से बुलाया गया और फिर से 25 को बुलाया गया है, कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और जैसा आपने देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लेके प्रखंड स्तर तक इसका विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। जरूरत होगा तो हम सड़क से लेकर संसद तक ये ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ हम लोग जिहाद छेड़ेंगे। एआईसीसी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। कल हम लोग ईडी के कार्यालय में घेराव किया और घेराव का दृश्य ऐसा था, इतना उत्साह था लोगों में कि एक इतनी बड़ी सरकारी संस्था के दरवाजा पर लोग अपनी बात को बेखौफ रखते हैं। ईडी के लोग भी मुस्कुरा रहते हैं बात को सुनकर कांग्रेस की, इसलिए कि जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे थे उसमें सच्चाई, वह लोग भी एक गुलामी नहीं चाहते हैं। साख का संकट हो गया है? नहीं नहीं, अभी तो सभी लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति उत्पन्न हुआ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।